हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है अपने बाइक के चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ बजाज ऑटो रिक्शा का गियर चेंजर कैसे चेंज करें। आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो कवर मैंने खुल रहा है, देख रहा ही होगा, तो ये इसके किस प्रॉब्लम से ये क्लच कवर खुल रहा हो, ये देखिए दोस्तों, ये जो गियर, तो इसका ये भी गिर गया है अंदर से। तो ये गियर नहीं लग रहा है, गियर चेंज नहीं हो रहा है, गियर में फंस गया है, इसलिए मैंने खुल रहा हो। तो ये काम कैसे करें और कैसे फिटिंग करें, किस प्रॉब्लम से ये जो गियर थी तो अंदर घुस गया है, तो ये मैं आज सबको दिखा रहा हूँ। तो हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए, कैसे ये काम करे आसानी से। तो मैंने नट खुल चुका है, तो नट खुलने के बाद मैंने ये कवर खुल लूँगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ओल्ड याटी, तो इसका चेंज करना पड़ेगा। अभी इसका न्यू मंगाया है, तो मैंने ये न्यू टी लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये जो कास्केट, तो कास्केट क्लीन करूँगा, इसके बाद मैंने न्यू यू को लगाऊंगा, तो ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दोस्तों ये देखिए, तो इसको खुलने के बाद मैंने मंगाया है, यह है कास्केट गोम, और ये देखिए, यह है टी बैक गेट टी असेंबली। तो अभी इसका खुल रहा हूँ, ये देखिए,
तो ये है सामान, तो मैंने लगा लेते हैं, तो ऐसे लगा लूँगा। ये जगह पर मैंने लगा लेते हैं, तो लगाने के बाद मैंने देखते हैं। यही है न्यू गया टी। तो ये टी तो गिर गया है, तो ये टी न्यू टी मैंने लगा रहा हूँ। देखिए ये टी की वजह से ये जो शाफ्ट मैंने चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, टी और चेंजर लीवर मैंने फिटिंग किया। देखिए दोस्तों ऐसे ही फिटिंग करते हैं। तो मैंने ये चक्की लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी चक्की लगाने के बाद मैंने ये क्लच कवर को लगा लूँगा। इसके बाद मैंने क्लच केबल, गियर केबल सभी लगा लूँगा। तो लगाने के बाद मैंने दिखा देते हैं तो ये गाड़ी रोड पर चला के। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए। तो कैसे कैसे ये फिटिंग करे सभी सामान, ठीक है। दोस्तों ये देखें, मैंने लगा चुका है, एटी लगा लिया है। देख रहा ही होगा ये न्यू टी मैंने लगा चुका है। ये देखें, तो अभी मैंने इसको कवर, ये जो कवर लगा लूँगा, तो कवर लगाने के बाद मैंने तो स्टार्ट करके दिखाऊंगा गियर ठीक है कि नहीं, तो ठीक है। ये देखिए, अभी ये गास्केट को लगा रहा हूँ। तो ये गास्केट पे गम गास्केट पेस्ट पहले लगाया है। ये देखिए पेस्ट लगा लिया है। तो पेस्ट लगाने के बाद मैंने ये गास्केट को फिटिंग कर रहा हूँ। फिटिंग हो गया है इस वक्त। मैंने अभी मैंने लगा लेते हैं, सभी लगा चुका है। इसको भी लगाना है। ये देखिए, तो ऐसे फिटिंग करते हैं। ये देखिए नट बोल्ट, अब ये नट बोल्ट को लगाऊंगा। तो ऐसे सभी नट बोल्ट को लगाने के बाद मैंने टाइट कर देते हैं। तो टाइट करने के बाद मैंने दिखाऊंगा। इस जगह बहुत कीमती जगह है, इसलिए टाइट करने से आप सबको कैमरा पे दिखाना बहुत मुश्किल हो गया है।
तो मैंने इस वक्त कैमरा ऑफ कर लेते हैं, और टाइट देने के बाद मैंने गाड़ी को गियर लगा के और चला के दिखाऊंगा। ये गाड़ी का प्रॉब्लम ये है, तो गियर फंस गया है, इसलिए मैंने ये गियर ठीक लगा लिया है, देख लिया होगा। तो हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए, ठीक है। दोस्तों देखिए, एक गाड़ी का काम खत्म हो चुका है, गाड़ी लगा लिया है। तो मैंने इस वक्त ये गाड़ी ऑयल डाल रहा हूँ। ऑयल डालने के बाद मैंने स्टार्ट करूँगा। तो अभी इसका ऑयल डालना है, तो ठीक है, देखिए दोस्तों अभी ऑयल डाल दूंगा। तो ऐसे ही ऑयल डालना है, तो ऑयल डालने के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊंगा गियर लगा के, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी सभी ऑन किया, स्टार्ट होने वाला है, ये देखिए मीटर लाइट आ चुका है, ये देखिए। तो अभी सेल्फ मार रहा हो तो देखिए, तो गाड़ी स्टार्ट हो गया है, साउंड सुन रहा ही होगा। तो गाड़ी न्यूट्रल हो गया है, गाड़ी गियर फ्री हो गया है। तो इस वक्त मैंने गाड़ी रोड पर चला के देखते हैं, तो चलाओ भाई, बोलिए। देखिए गाड़ी न्यू गियर लग चुका है, अब रन भी कर रहा है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हाँ न्यू वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू, बाय बाय। कट के कट।